मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सोशल मीडिया का प्रधानमंत्री बनकर अपनी कॉमेडी जारी रखूंगा। खटाखट खटाखट खटाखट। गुड बाय, थैंक यू। सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय बजरंगबली की। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा पे। तो आज भी हमारे देश और धर्म से जुड़ी फनी और सीरियस क्लिप्स होने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं सामने वाले को कॉल कर रहा है कि माँ कैसा है, नहीं क्या क्या बोलता माँ कैसा है, खाना पीना खाएगा। सामने वाला बोलता नहीं क्या, अरे भूल गया ब्रो मेरे को। तेरी में कि तू मेरे को कॉल नहीं कर रहे भाई, मैंने तेरे को कॉल कर रहा है। तू ये बात को तो ये तो देख कि मैं तेरे को कॉल कर रहा है 6 महीने के बाद, तू नहीं कर रहा और तू मेरे को बोल रहा कि भाई भूल गया क्या। मैं तो चेक कर रहा था तू मेरे को करता क्या नहीं। भाई लोग कल कॉलेज में एनुअल डे है और सबको एक एक भगवान बन के आना है। अच्छा? तू क्या बनेगी? दुर्गा माता। तू क्या बनेगा? कृष्ण भगवान। तू रे सरस्वती माता। आप क्या बनेंगे? शंकर जी। तू रे अब्दुल। आपको पता है देश को आजादी किसने दिलाई? आप लोग सोचते होंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। नहीं, इन लोगों ने नहीं दिलाई, इन लोगों ने दिलाई। देखिए इस वीडियो। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो बहती हवा सा था वो। अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो हम कहते हैं कि जब मेरा भी रास्ता वही है, उनका भी रास्ता वही है, तो हम एक ही रास्ते पर क्यों ना चले, मोदी जी का समर्थन कर देना। बहुत बढ़िया, अगर देशभक्त है तो मोदी जी का समर्थन करें। झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, ठगते हैं। अपने उसकी वो अपने नहीं करता था, देश का गरीबी मिटाना है। पहले उनका गरीबी तो मिट नहीं रहा, देश का गरीबी मिटाएंगे ससुरिया से। पकड़ कर मारा भाड़ भाड़ मुंह में फट जैसा लेकर। घर का ही आदमी नेता होना चाहिए, घर का ही आदमी सत्ता में रहना चाहिए। बाप बने, भाई बने, बेटी बने, माँ बने, सला जनता और कोई बने ही ना, सब उसी का खानदान राज करे। आपको 1,00,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं और आप लोग जो है जो गुस्से में बात कर रहे हैं। एक लाख रुपया कौन देने को बोला है? राहुल गांधी। उनका बोलेगा चोट्टा, हम लोग का पैसा से तो खुद अपनी बहन का दहेज दिया हुआ है। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लिखवा लो मेरे से, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। टन टना टन 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 तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। वेक अप टू रियलिटी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक बात कही थी, ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं अंग्रेजों से डरता हूँ, मैं हिंदू होकर हिंदुओं से ही डरता हूँ। तो ऐसे जो दोगले हिंदू है ना, जैसे यूपी के अयोध्या ने दिखा दिया, वैसे दोगले हिंदुओं की कमी नहीं है भारत में। ऐसे दोगले हिंदू के वजह से योगी जी हारे, अयोध्या में राम मंदिर दे दिया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन गया, वहाँ का नाम जो फैजाबाद था, जो पता नहीं कौन था, उसके नाम पर रखा गया तो उसका नाम बदल के अयोध्या बना दिया गया। इतना सब करने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिला, अगर भारत की जनता खुश नहीं है ना भैया, तो इनके लिए क्या होना चाहिए पता है? मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे रोज इनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाए तब ये खुश रहेंगे, रोज आए दूसरे दिन किसी का कर दिया जाए, किसी हिंदू बहन बेटियों का या हिंदू भाइयों का, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको जबरदस्ती जालीदार टोपी पहनाई जाए तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको ऐसी सरकार ही चाहिए जो भय मुक्त कर दे, डर मुक्त कर दे, यूपी को विकसित बना दे, यूपी में एक स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल बना दे। ऐसे लोगों से यूपी वाले खुश नहीं रहते और उसका एक एग्जांपल अयोध्या में हमने देख लिया। तो भैया मैं मोदी जी, योगी जी आपसे विनती करना चाहूंगा, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये फर्जीवाड़ा लेकर चल रहे ना,
इसको बंद कर दीजिए आप और सीधा सीधा एक नारा लेके चलिए, जिसका साथ उसी का विकास। और अब बात योगी सरकार की, जो दो बच्चों की नीति पर काम कर रही है। इस पॉलिसी के बाद दो बच्चे से ज्यादा वाले परिवार के मुखिया को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। प्रभु वो देखिए, सरदारू ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का ये से यात्री लोग बैठाते हैं। अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। वजह ये है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। अच्छा, हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं, अभी कमाई पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे तो अभी क्या करेंगे हम सब। अब आए ना लाइन पे। क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है, उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। भी हंसी आ रही है, सारे लोग हंस रहे हैं। तो वो सरकार बन जाएगी तब ना? जी हाँ, जब बनेगी जभी तो मिलेगा। 5,000 रूपए? 8,500 रूपए? 8,500 जी। भरिए और लीजिए जी खटाखट। क्या सीन है? क्या कह रहे थे वो? अभी तो हम तो अभी आए हैं, अभी तो हमें पता नहीं, हम तो भैया से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे फॉर्म के लिए। तो फॉर्म आपको भी पता चला, फॉर्म लेने आई थी? जी अभी पता चला, तो लेने आए थे। तो क्या हुआ, मिला नहीं? अभी नहीं। क्या बोल रहे हैं दफ्तर वाले? क्या बता बता दी सर? बोल रहे जब सरकार बनेगी तब फॉर्म घर घर मिलेंगे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडव समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाद दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ।